नमस्कार दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। ये आपका आर्टिकल है खाद्य प्रणाली से संबंधित। तो इसमें बात करेंगे हम लोग कि आखिर अभी चर्चा में क्यों है, इसे देख लेंगे, ये इसकी पृष्ठभूमि को देख लेंगे और भारतीय पशुपालन व्यवस्था को देखेंगे, खाद्य और कृषि संगठन को देख लेंगे और इस क्षेत्र से जो संबंधित आपकी समस्याएं हैं या चिंताएं हैं उन्हें भी देख लेंगे और चिंताओं का समाधान भी देखेंगे हम लोग, और आगे की क्या राय हो सकती है इसके बारे में उसे भी हम लोग देख लेंगे। कोरोना वायरस हमारे लिए एक अवसर के रूप में है कि हम अपने खाद्य प्रणाली का विश्लेषण करना चाहिए। कोरोना वायरस एक जूनोटिक वायरस है, अर्थात इसका स्थानांतरण स्वाभाविक रूप से कशेरुकीय जानवरों से मनुष्यों में होता है। यह सर्वविदित है कि इस वायरस के प्रसार का केंद्र चीन के वुहान स्थित सी फूड मार्केट ही है। इससे पूर्व वर्ष 2002 में सार्स कॉव सेकंड के प्रसार का केंद्र चीन के वुहान स्थित सी फूड मार्केट ही था। ठीक है, तो याद रखिए कोरोना वायरस का केंद्र आपका चीन के वुहान स्थित सी फूड मार्केट है, और जो आपका सार्स आया था उसका भी केंद्र वुहान ही स्थित था। ठीक है, सार्स कॉव टू वायरस के प्रसार का कारण सीवेट बिल्लियां थी, जिनके मांस के भक्षण के कारण यह वायरस मानव में स्थानांतरित हुआ। HIV और इबोला वायरस के बारे में भी ऐसे ही सिद्धांत विचलित थे। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का यह भी मानना है कि यदि शाकाहार के बदले मांसाहार का वर्चस्व बना रहा तो विश्व की बढ़ रही जनसंख्या की आहार समस्या वर्ष 2050 तक और भी विकराल हो जाएगी। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? ऐतिहासिक रूप से ऐसी कई घटनाएं विकास में आई हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि जूनोसिस संक्रमण की वजह से वैश्विक महामारी की स्थिति पूर्व में कई बार निर्मित हुई है। यदि आंकड़ों पर नजर डालें तो निम्नलिखित जूनोसिस संक्रमण संबंधी बीमारियों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जस्टिनियन प्लेग 541 से 542 AD में चिन्हित किया गया था ईस्वी में। ठीक है, द ब्लैक डेथ वर्ष 1347 में यूरोप में देखा गया था। येलो फीवर 16वीं शताब्दी में दक्षिण अमेरिका में देखा गया था। वैश्विक इन्फ्लुएंजा महामारी या स्पेनिश फ्लू वर्ष 1918 में देखा गया था। आधुनिक महामारियां जैसे HIV एड्स, सार्स, H1N1, इन्फ्लुएंजा में एक लक्षण समान है कि इन सभी मामलों में वायरस का संचरण पशुओं से मानव में हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व में नई उभरती संक्रामक बीमारियों में 60% बीमारियों के कारण जूनोसिस संक्रमण होता है। पिछले 3 दशकों में 30 से अधिक नए मानव रोगाणुओं में से 75% का संक्रमण जानवरों से हुआ है। बात करते हैं भारतीय पशुपालन व्यवस्था। वर्तमान में पशुपालन विकासशील देशों में सबसे तेजी से बढ़ते कृषि उपक्षेत्रों में से एक है। कृषि GDP में इसकी हिस्सेदारी 33% से अधिक है और तेजी से बढ़ भी रही है। खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार भारत में दुनिया की सबसे बड़ी पशुधन आबादी है। भैंस के मांस का सबसे बड़ा उत्पादक भी है आपका भारत। सालाना लगभग 100 बिलियन अंडे का उत्पादन भी भारत करता है। बात करते हैं खाद्य और कृषि संगठन। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे बड़ी विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसियों में से एक है आपकी। इसकी स्थापना वर्ष 1945 में कृषि उत्पादकता और ग्रामीण आबादी के जीवन निर्वाह की स्थिति में सुधार करते हुए पोषण तथा जीवन स्तर को उन्नत बनाने के उद्देश्य के साथ की गई थी इसकी स्थापना। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय आपका रोम इटली में है। पशुधन लागत को कम करते हुए उत्पादन को अधिकतम करने के तथा बड़ी औद्योगिक सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। इसे गहन पशु खेती या फिर औद्योगिक पशुधन उत्पादन या कारखाना खेती के रूप में जाना जाता है। एग्री बिजनेस में मवेशी, मुर्गी और मछली जैसे पशुधन को बड़े पैमाने पर शामिल किया जाता है।
इसके साथ ही एंटीबायोटिक्स और टीकों की खोज ने पशुओं में होने वाली बीमारी को कम करने की पशुधन को बड़ी संख्या में बढ़ाने में योगदान किया है। पशुधन की अत्यधिक संख्या और सीमित स्थान के साथ के कारण पशुओं में विभिन्न रोगों का संक्रमण भी देखा जा रहा है। अब बात करते हैं संबंधित चिंताएं क्या हैं। एंटीबायोटिक प्रतिरोध और स्वास्थ्य जोखिम। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कृषि कार्य में लगे जानवरों को दी जाने वाली एंटीबायोटिक दवाओं की बड़ी मात्रा ने रोगाणु प्रतिरोधी बैक्टीरिया को समाप्त कर दिया, जिससे पशुओं में रोग प्रतिरोधी क्षमता कम हो जाती है। ऐसे पशु किसी भी वायरस या बैक्टीरिया के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। यदि इन पशुओं के मांस या फिर अन्य उत्पादों का सेवन मानव द्वारा किया जाता है, तो संभव है कि पशुओं में मौजूद वायरस या बैक्टीरिया मानव में स्थानांतरित हो जाए। भारत में अधिकांश मीट विक्रेता भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित पशुओं को रखने और बंद करने के मानकों और विनियमों को दरकिनार कर देते हैं, जिससे पशु उत्पाद किसी संक्रमण के वाहक बन जाते हैं। ऐसे पशु जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, उन्हें उचित सुरक्षा मानकों की कमी के कारण संक्रमण होने की संभावना होती है। बात करते हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का गठन किया। इसका संचालन भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत किया जाता है। इसका मुख्यालय आपका दिल्ली में है, जो राज्यों के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने का कार्य करता है। फसाई यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण मानव उपभोग के लिए पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात की सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करने का कार्य भी करता है। इसके अलावा यह देश के सभी राज्यों, जिला एवं ग्राम पंचायत स्तर पर खाद्य पदार्थों के उत्पादन बिक्री के निर्धारित मानकों को बनाए रखने में सहयोग करता है। यह समय समय पर खुदरा एवं थोक खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की भी जांच करता है। पर्यावरण प्रदूषण। पशु फार्मों और बूचड़ खानों से निकलने वाला कचरा जल प्रदूषण को बढ़ा रहा है, जिससे यूटिफिकेशन की समस्या गहराती जा रही है। औद्योगिक पशु खेती का पर्यावरणीय प्रभाव मानव स्वास्थ्य को भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। कृषि क्षेत्र में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के का एक बड़ा कारण आपका पशुपालन है। यह मीथेन गैस के उत्सर्जन के एक बड़े हिस्से के लिए जिम्मेदार भी है, जिसमें उच्च ग्लोबल वार्मिंग क्षमता भी है। अस्थिर पशुपालन की व्यवस्था जलवायु परिवर्तन की समस्या में योगदान दे रहा है। पशुओं का कल्याण। सघन पशुधन कृषि में पशु कल्याण चिंता का विषय है। दुधाऊ पशुओं में दुग्ध की क्षमता को बढ़ाने के लिए पशुओं को हार्मोन वाले इंजेक्शन लगाए जाते हैं। पशुओं के चारे का भी बेहतर इंतजाम नहीं हो पाता, जिससे वे अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं। बात करते हैं चिंताओं का अधिक आखिर समाधान क्या है। प्लांट यानी कि संयंत्र आधारित खाद्य पदार्थ। भारत में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण की दर बहुत अधिक है और मांस उत्पादन को प्रोत्साहित करके इसका मुकाबला करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए भारत को प्लांट और संवर्धित मीट के पीछे की संभावनाओं का पता लगाना चाहिए। प्लांट आधारित मीट पौधों से बने होते हैं, कोलेस्ट्रॉल और एंटीबायोटिक मुक्त होते हैं, जबकि इनका स्वाद पशु के मांस के बाद ही होता है। आपका संवर्धित मांस पशु को कोशिकाओं का एक छोटा सा नमूना लेकर उन्हें पशु के बाहर प्रतिकृति करके उत्पादित किया जाता है। एक खाद्य पदार्थ कुपोषण किसानों की कमाई जैसी समस्याओं को हल करने के लिए एक बेहतर अवसर का सृजन करते हैं। पशुधन आधारित खाद्य पदार्थों के सेवन से संक्रामक बीमारियों के प्रसार के कारण विभिन्न देश प्लांट आधारित खाद्य पदार्थों के सेवन का विकल्प चुन रहे हैं। पशु आधारित खाद्य पदार्थ प्लांट आधारित खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक संसाधन गहन है।
विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों से यह पता चला है कि पशुपालन को प्लांट आधारित खाद्य पदार्थों के उत्पादन की तुलना में कहीं अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। पश्चिमी देशों में प्लांट आधारित मीट पहले से ही लोकप्रिय है। भोजन की बढ़ती मांग और प्रति व्यक्ति संसाधन के आधार पर कमी को देखते हुए खाद्य उत्पादन में उच्च दक्षता की आवश्यकता है, जिसे पशु आधारित खाद्य पदार्थ पूरा नहीं कर पा रहा है। पशु आधारित खाद्य पदार्थ में अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है, जबकि प्लांट आधारित पदार्थों में जल की कम आवश्यकता होती है। आगे की राय क्या हो सकती है? औद्योगिक पशुपालन से जुड़ी चिंताओं और इसे बदलने में आने वाली चुनौतियों को देखते हुए प्लांट आधारित पशुधन कृषि पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। प्लांट आधारित मांस व अन्य खाद्य पदार्थों से कुपोषण, भूमि की कमी, बूचड़खानों की समस्याओं को हल करने का एक बहुत बड़ा अवसर मिलता है। भारत की एक स्वास्थ्य नीति पशु स्वास्थ्य और मानव स्वास्थ्य के बीच अंतर संबंधों को सही रूप से पहचानती है और इस दिशा में उचित कदम उठा रही है। समय के साथ पशुधन आधारित मांस व अन्य उत्पादों के सेवन में निरंतर कमी लाने की आवश्यकता है। सस्टेनेबल एनिमल फार्मिंग में पशुओं के प्रति मानवीय दृष्टिकोण विकसित करना, बेहतर उत्पाद तैयार करना, किसानों के लिए जीवन निर्वाह करना, पर्यावरण पर न्यूनतम नकारात्मक प्रभाव को सुनिश्चित करना शामिल है। वैश्विक लॉकडाउन के कारण जंगली पशुओं का आवागमन शहरों की ओर हुआ है तथा प्रदूषण के स्तर में भी वैश्विक रूप से गिरावट देखी जा रही है। ऐसे में हमें उन प्रौद्योगिकियों को अपनाने और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है जो हमें पर्यावरणीय दृष्टि से समावेशी जीवन स्तर बनाए रखने में सहायता करती है, जिनका प्रयोग हम एक स्वस्थ दुनिया के निर्माण में की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये था आपका खाद्य प्रणाली से संबंधित प्रमुख आर्टिकल, ठीक है।